जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग विधानसभा के 7 प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नाम वापस लिया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए बुधवार को नाम वापसी और सिंबल प्राप्त करने का दिन था, जिसमें पिपराइज विधानसभा से 1 प्रत्याशी, ग्रामीण से 1, सहजनवा से 2, खजनी से 2, चौरी चौरा से 1, चिल्लूपार से 1 प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। इस तरह अब हर विधानसभा में केवल 15 प्रत्याशी या उससे कम ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। अब जनपद के 9 विधानसभा में कुल 109 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में हैं, जो कि चुनाव लड़ेंगे, जिनका 3 मार्च को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद की 9 विधानसभाओं में आज नाम वापसी और सिंबल अलाटमेंट का दिन था। आज 3 अलग अलग विधानसभाओं ने में 1-1 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, और इस प्रकार से हमारी कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ 15 से अधिक प्रत्याशी हों। आगामी 3 मार्च को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जो प्रक्रियाएं अभी आगामी दिनों में करनी हैं, उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, और आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। सिंबल भी कुछ लोगों को वितरित किया गया है। सिंबल आज ही वितरित कर दिया गया है, जिसने जो सिंबल मांगा था और जो नियम होगा उसके अनुसार उनको सिंबल आरओ साहबान के द्वारा वितरित किया गया है।